इधर रेलवे सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के दौरान 40 लोगों की जान करंट लगने की वजह से गई थी। 2 जून को हुए इस भीषण हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच रेलवे के सूत्रों का कहना है कि बालासोर ट्रेन हादसे में 40 लोगों की मौत करंट लगने की वजह से हुई, क्योंकि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ था जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गई थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे सामने से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए थे। और रेलवे सूत्रों का कहना है कि टक्कर लगने के बाद बिजली का तार टूटकर डिब्बों पर गिरा, जिससे वहां करंट फैल गया था। हादसे के बाद सैकड़ों शव पटरियों और डिब्बों में बिखरे मिले। इनमें कई शवों पर चोट के निशान नहीं थे, इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। इस बीच एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि एनडीआरएफ के कुछ जवानों को पानी खून जैसा लग रहा है जबकि कुछ को भूख ही नहीं लग रही। यानी हादसे की वजह से एनडीआरएफ के कुछ जवानों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। 2 जून को बालासोर में हुए इस भयानक हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को निकालने के लिए अपनी जान झोंक दी, लेकिन अब एनडीआरएफ के सूत्रों का कहना है कि इस हादसे का गहरा असर उनके दिमाग पर हुआ। लगातार शवों और घायलों को निकालने की वजह से एनडीआरएफ के जवानों में अलग अलग लक्षण नजर आने लगे थे। एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक कुछ जवानों को पानी खून की तरह दिख रहा है, जबकि कुछ को भूख लगनी बंद हो गई। हालांकि इन लक्षणों के दिखने के बाद जवानों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई।